जो बाइडन कौन है? ये अब तक के अमरीकी हिस्ट्री का सबसे बूढ़ा सदर है। इससे ज्यादा उम्र के आदमी कभी सदारती दौड़ में नहीं आए। नीलिया हंटर बाइडन, जो इनकी पहली बीवी थी, एक कार एक्सीडेंट में हलाक हो गए थे और इनके दो बेटे और जो बाइडन खुद उस एक्सीडेंट में बहुत बुरी तरह जख्मी हो गए थे। 1977 में इसने फिर दूसरी शादी की और ये शादी उसने जिल जोकब से की, जो कि अभी तक इसकी बीवी है और इन दोनों की एशले नाम की एक बेटी भी है। 1990 की सबसे पहली गल्फ वार की इन्होंने मुहालफत की और इन्होंने ये कहा कि ये जंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन 9/11 के बाद इनकी ये सोच बदल गई। जब 2003 में दोबारा गल्फ वार हुई तो उस जंग की इन्होंने हिमायत की और फिर इराक के खिलाफ जंग के लिए वोट भी डाला। ओबामा के दौर में ईरान के खिलाफ जो पाबंदियाँ लगी थी उनको इन्होंने नरम करवाया, जिसका मकसद ये था कि ईरान के एटमी प्लांट की तहकीकात आसानी से की जा सके। उसी दौर में इसराइल को इसने ये कहा कि जो गजा के अंदर आप सेटलमेंट्स करने जा रहे हैं वो रोक दें और ना करें, और ये मुसलमानों के लिए एक खुशहाल बात थी। ये एक बहुत मेहनती आदमी है, जहीन आदमी है और पढ़ा लिखा आदमी है, और अगर किसी को ये लगता है कि यह डोनाल्ड ट्रंप से ज़्यादा बेहतर होगा तो वो एक बार फिर सोच ले, क्योंकि ये दुनिया को टफ टाइम देने वाला है और दुनिया के लिए नए चैलेंजेस पैदा करेगा, क्योंकि इसने बराक ओबामा के साथ रहते हुए, बराक ओबामा जिसको पूरी दुनिया समझती थी कि उसके इक्तदार में आने के बाद दुनिया के अंदर एक नरमी आएगी, उस जैसे बंदे को इसने जंगों पर उकसाया और बल्कि बहुत सारे महाज भी खोल दिए। ये बंदा अगर किसी की बेहतरी चाहेगा तो वो है सिर्फ अमेरिका, अमेरिका और अमेरिका। I pledge to be a president who seeks not to divide but unify. Who doesn't see red states and blue states, only sees the United States.